गाइस, आई एम अथर। आप सब भी मेरी तरह लॉकडाउन में घर पर रह रहे के बोर हो गए होंगे ना। मैं भी बोर हो गया हूँ। आप जानते ही हैं कि किड्स का पार्क में जाना कितना जरूरी है, लेकिन ये समय घर के बाहर जाने का नहीं है। यूएसए, इटली और फ्रांस, जो कि इतने डेवलप्ड हैं और इनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो भी कोरोना वायरस यानी COVID-19 से कितने अफेक्टेड हैं। जानते हैं कि हमारे पास इंडिया में बहुत लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो हमारा बहुत जरूरी है घर में रहना लॉकडाउन में। चलिए, आज मैं आपको फेमस महाराष्ट्रियन बड़ा पाव की रेसिपी बताता हूँ। बॉइल पोटैटोस, बेसन, कड़ी पत्ता, मस्टर्ड सीड्स। हमें चाहिए पाव, पर अगर आपको पाव नहीं मिल पाए लॉकडाउन की वजह से, तो आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें चाहिए सॉल्ट टेस्ट करने के लिए। महाराष्ट्रियन लाल चटनी के लिए हमें चाहिए लहसुन, पीनट्स, सफ़ेद तिल, ग्रेटेड कोकोनट्स, कश्मीरी लाल मिर्च। हमें हरी चटनी बनाने के लिए चाहिए मिंट, ग्रीन चिली, इमली एंड कोरिएंडर। हमें कोरिएंडर वड़ा बनाने के लिए भी चाहिए। वड़ा पाव महाराष्ट्र की बहुत फेमस डिश है। सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, वह मध्य प्रदेश और गुजरात की और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत फेमस है। उसे कई वेरिएशंस के साथ में बनाया और खाया जाता है। अगर हम वड़ा पाव की हिस्ट्री में जाएं, तो माना जाता है कि दादर स्टेशन के सामने 1966 में अशोक वैद्या एक स्टॉल लगाते थे। उन्होंने बटाटा यानी कि पोटैटो के बने हुए वड़े और पोर्चुगीज पाव को मिलाकर बड़ा पाव बनाया। वह इसे मिल वर्कर्स को बेचते थे। मिल वर्कर्स को ये इजी टू कैरी हाई कार्ब स्नैक बहुत पसंद आया। देखते ही देखते इस ये पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 1960s में इसे बनाया गया था वाजिया फैमिली के द्वारा, जो चलाती थी खिड़की स्नैक स्टॉल, यानी कि वो अपनी खिड़की से स्नैक्स बेचते थे जो मेन रोड पे खुलती थी। हिस्ट्री का सच्चाई जो भी हो, एक सच तो सब जानते हैं कि बड़ा पाव है बहुत कमाल की डिश। इसे सारे एज और सारे क्लास के लोग बहुत पसंद करते हैं। एक पैन को मीडियम फ्लेम में गरम करें, उसमें एक टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें मस्टर्ड सीड्स, कटी हुई हरी मिर्च डालें। थोड़ा भूनने के बाद मैश पोटैटोस, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और चॉप्ड करी लीव्स डालें। इस मिक्सचर को अच्छे से भूनें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी टर्मरिक यानी हल्दी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिक्सचर को 5 मिनट अच्छे से भूनें। ठंडा होने के बाद पोटैटो मिक्सचर की मीडियम साइज बॉल्स बना दें। अब एक पैन में ऑयल मीडियम हीट पर हीट कर लें। बेसन के बैटर में बड़ों को रोल करें और ऑयल में फ्राई कर लें।
फ्राई तब तक करिए जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाते। Hi guys, I am back with secret tips. बेसन का बैटर बनाने के लिए पानी की जगह पीने वाले सोडा का यूज करें। बेसन के बैटर को ज्यादा सिकना रखें, ना बेसन का टेस्ट आके वड़ा पाव के टेस्ट को खराब कर देगा। चटनी वड़ा पाव की जान होती है, खासकर महाराष्ट्रीयन लाल चटनी। लाल चटनी को थोड़ा ज्यादा तीखा रखें, गार्लिक ज्यादा यूज करें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। वड़ा पाव में टर्मरिक जरूर ऐड करें, ये आपके वड़ा पाव के टेस्ट को इनहेंस कर देगा। अगर आप इसी तरह मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे तो आपके वड़ा पाव का टेस्ट अलग होगा। एक दूसरा पैन लें और उसको मीडियम हीट पे हीट करें। उसमें मूंगफली डालें और भूनें। मैं यहाँ पे दो लाल मिर्च भी डाल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ग्रेटेड कोकोनट और सेसमे सीड्स भी डाल दीजिए। अब इसमें गार्लिक क्लोव्स भी ऐड करें और चलाते रहें ताकि वे जले ना। जब हमारा दूसरा मिक्सचर ठंडा हो जाए तब मिक्सचर को जार में डालकर ग्राइंड करें। हमारी लाल चटनी तैयार है। हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना, हरी धनिया, मिर्च, इमली का पल्प, सॉल्ट टू टेस्ट को जार में डालकर ग्राइंड कर लें। हमारी हरी चटनी तैयार है। दोस्तों, हमारा बड़ा पाव बनाने के अब सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो चले अब हम बड़ा पाव बनाते हैं। हमने इस ब्रेड को काट लिया है और अंदर से सेक लिया है बटर के साथ में। पहले हम अपनी हरी चटनी लगाएंगे नीचे। अब हम अपना ये डाल देंगे, हमारी लाल चटनी। अब हम अपना बड़ा डाल देंगे। अगर आपके पास पाव ना हो तो आप ब्रेड का भी कर सकते हैं। इसको भी हमने अंदर से सेक लिया है। अगर लॉकडाउन की वजह से आपके पास ब्रेड और पाव दोनों ही नहीं है तो आप इसको अपने पराठे के साथ में भी बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी।